Hello, everyone. Good morning. Okay, one second. Hello, hello. Good morning. Good morning, everyone. One second. Okay. ऑल क्लियर वॉइस विजुअल सब क्लियर है प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए एक बार ओके वेलकम वेलकम एवरीवन सब कुछ क्लियर है ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं सभी लोग गुड मॉर्निंग हेमंत मयूर मार्केट गुरु शंकर शानी गुरप्रीत देवेंद्र गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी लोगों का स्वागत है लाइव स्ट्रीम में बालाजी गुड मॉर्निंग नवीन अमित देवेंद्रजीत, जॉय, मंजू कुलदीप भारत नवीन ओके सुमित सुशील रूपेश संकेत लालाजी गंगा महेश शंभू, जफर स्टीफन टाइम पास अरे राहत मुकेश राजपाल रोहित मुकेश भाई पधार चुके हैं, मुकेश गोदारा हेलो हंसराज जावेद दिनेश योगेश जोयल सभी लोगों का स्वागत है करेंगे दो मिनट में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ जी हल्का सा गैप अप दिख रहा है मार्केट हल्का सा नहीं सो पॉइंट्स लगभग गैप अप दिख रहा है मार्केट लेट्स सी देखते हैं सेटल होता है नौ बज के आठ मिनट पे सेटल होगा तो देखेंगे कहां पे सेटल हो रहा है उसके पहले हम अपना एक्सेल शीट एनालाइज कर लेंगे आ, बहुत लेट हो गया नहीं सर लेट नहीं हुआ है शेड्यूल नहीं हो पाया था ये जो स्ट्रीम था यूट्यूब का आजकल कल था ये शेड्यूल नहीं था मैंने ही आके इसको लाइव किया है हेलो हाँ, अमित भाई हेलो ग्लोबल मार्केट डाउन है यस देख लेते हैं सब देखते हैं आज ठीक है कैसा रहा कल का दिन कल तो फुल साइडवेज मार्केट था सभी लोग एक बार अपना अपना बताओ कि किस तरीके से कल के दिन में सर्वाइव किए लॉस तो बैठा था मतलब आपने ट्रेड डाला और लॉस होना ही होना है। क्योंकि मार्केट मूव नहीं किया मूव नहीं किए सेफ था ठीक है मतलब एंट्री नहीं किए तो सेफ बाकी लॉस दिख रहा है नो ट्रेड नो ट्रेड हाँ जी निफ्टी का लॉट चेंज होने वाला है बिल्कुल होने वाला है ये अप्रैल मंथ में तो यही रहेगा निफ्टी फिन निफ्टी और मिटिकैप निफ्टी तीनों के लॉट चेंज होने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ अभी नो ट्रेड नो ट्रेड लॉस ओके प्रॉफिट ठीक है सी होल्ड है सर ओहो चलो अभी तो मार्केट सौ पॉइंट गैप अप दिख रहा था बट अभी तीस पॉइंट गैप अप भी दिख रहा है इसलिए हम बीटीएसटी का ज्यादा फेवर नहीं करते हैं कि बीटीएसटी करो या ना करो है ना बेटर है कि इंट्राडे में ही काम कर किया जाए ऑप्शन में कर रहे हो तो ओके बैंक निफ़्टी सो ओके ओनली इंटरडे सही बात एक्सटेंशन टिल ट्वेल्व जी साहब नरेश कुमार नो पेन नो गेन लॉस जब तक लिमिट में है तब तक कोई बात नहीं टेंशन नहीं अपनी पीठ थपथपा के काम करो व्यापार कर रहे हैं खर्चे लगे रहते हैं कोई दिक्कत नहीं बट अगर लॉस लिमिट से बाहर गया तो समझो कि ये खर्चा नहीं है ये आपके तरीके से दच पड़ गई है जबरदस्ती का नुकसान हुआ है व्यापार में जबरदस्ती के नुकसान में गुस्सा आता है कि नहीं तो उस टाइम पे गुस्सा आना चाहिए बड़ा लॉस जबरदस्ती हो जाए तो लिमिट पे लॉस है नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम लिमिट तय कीजिए उस हिसाब से लॉस बुक करना सीखिए भले ही मार्केट वहां से रिवर्स होकर ऊपर चले जाए नॉट अ प्रॉब्लम मार्केट है वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा बट हमें अपना पैसा खुद बचा के चलना पड़ेगा हाँ जी सर्कुलर की बात कर लेते हैं सर्कुलर जो आया है ट्वेंटी सिक्स अप्रैल की जो एक्सपायरी है वो लास्ट एक्सपायरी है तब जाके निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी इन तीनों का जो है लॉट चेंज हो जाएगा निफ्टी का 50 से 25 हो जाएगा फिन निफ्टी का बताओ जरा 40 से कितना हो रहा है और मिड कैप निफ्टी का 75 से भी शायद 75 से 50 हो रहा है फिन निफ्टी का एक बार कंफर्म करिए फिन निफ्टी का 40 से 25 हो रहा है ठीक है ओके okay. सो so, इस तरीके से लॉट चेंज होगा तो सेकेंड मे की जो एक्सपायरी रहेगी ना उस एक्सपायरी के लिए लॉट्स चेंज हो जाएंगे बैंक निफ्टी के सेम रहेंगे बाकी वगैरह के सेम रहेंगे ठीक है ओके okay, ओके okay, ठीक है तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना एनालिसिस करना एक्सेल शीट से आज थोड़ा लेट हो रहा है एक्सेल शीट हम लोगों ने नहीं किया बाकी बातें ज्यादा हो गई हैं तो फटाफट एक बार ट्रेंड जज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कल क्या हुआ कौन जीता कहां पे मार्केट है किसके हाथ में मार्केट है सेकेंड अप्रैल को ट्यूजडे का दिन था की एक्सपायरी थी बाईस चार सौ पे मार्केट क्लोज हुआ नौ पॉइंट डाउन जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट का डाउनफॉल कुछ भी नहीं हुआ मतलब मार्केट में नौ पॉइंट का चेंज बाईस हजार के इंडेक्स में नौ पॉइंट का चेंज मतलब चीटी भी नहीं हिली कुछ भी नहीं हुआ कैंडल कैसी बनी है डेली और वीकली टाइम फ्रेम की आप सभी देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे चलते हैं निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इसको छुपा लिया जाए यहाँ पे देखो कंप्लीट डोजी कैंडल डोजी बाबा क्लियरली एक तारीख में भी डोजी सेकंड में भी डोजी 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 खेल रहा है निफ्टी तो कंप्लीट न्यूट्रल कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे सिर्फ दो ही दिन हुए हैं मंडे ट्यूजडे तो इसको हम जो है कंबाइन करके देखेंगे पिछले वीक के साथ इस तरीके से कंबाइन करके अगर देखें तो एक आपको एक बुलिश कैंडल दिख रही है तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम हो जाती है की बात करें एफ आई डी आई एफ आई आई ने लगभग 1600 करोड़ की सेलिंग की है तो एफआईआई का रुझान कैश मार्केट में थोड़ा सेलिंग की साइड बढ़ रहा है डी ने लगभग 1950 करोड़ की बाइंग की है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें इंडेक्स फ्यूचर में में लॉन्ग लॉन्ग कैसा रहा तो 45 से बढ़ के, 40 आ गया है लगभग साइड पोजिशन धीरे धीरे बढ़ने लगी है तो इसको हम एक पॉइंट देना लाजमी रहेगा एक पॉइंट देना पड़ेगा इसको ठीक है बाकी इवेंट्स की बात करें तो दो इवेंट आए हैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो कि लगभग फ्लैट आया है और यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा ये भी लगभग फ्लैट आया है तो ये पॉजिटिव में लिख दिए हैं बट ये पॉजिटिव डेटा नहीं है यह फ्लैट ही है तो इसको हम न्यूट्रली समझ के चलेंगे अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो अपकमिंग इवेंट्स में ये सारे इवेंट्स हैं अभी देखेंगे इनका क्या रिएक्शन रहेगा तो यहाँ पे को इंडिया, का सर्विस डेटा आएगा इस पर हमारी नजर रहेगी मिला है सो मार्किंग सिस्टम से देखें तो फ्लैट रहा है ये सारा तो इसको जीरो देंगे डेली कैंडल न्यूट्रल है प्लस टू पोटकॉल रेशियो फ्लैट है जीरो मार्केट माइनस वन फ्यूचर मार्केट में एफ बाइंग कर रहे हैं तो प्लस वन तो नेट टू नेट एफ का मामला जीरो हो गया है और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में यहां पे देखें तो इस तरीके से सॉरी ये जो सेक्टर वाली बात है तो ऑटो को हम आधा मास देंगे छोटा इंडेक्स है आई बड़ा इंडेक्स है माइनस वन देंगे टोटल करते हैं निकल गया था डेढ़ डेढ़ का मतलब न्यूट्रल तो भाई मार्केट जो है दो दिन से कल तक तो हमने मार्केट को टाइम दे दिया कि भाई कल न्यूट्रल टू ने तब भी पिछले इतिहास को देखते हुए हमने बोल बुल दिया न्यूट्रल, मार्केट अभी है न्यूट्रल तो क्या करना है बुल्स और बियर्स दोनों के पास अभी क्लियर कट गाइडेंस नहीं है क्या करना है तो ट्रैपिंग हो सकती है तो बहुत ही ज्यादा साफ तरीके से समझ करेंगे तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क किया जाए कल के दिन का जो हाई है ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा पिछले दिन का जो लो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा ये तो दो हो गए इंपॉर्टेंट लेवल ठीक है इसके बाद पिछले दिन की पहली पांच मिनट कैंडल का हाई लो ये है पहली पांच मिनट कैंडल इसका हाई ये हो गया ये देखो पिछली पांच मिनट कैंडल के हाई के आसपास ही जाके मार्केट रुक गया था और ये है पांच मिनट कैंडल का लो इसको भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है तो इस तरीके के कुछ लेवल्स निकल के आ गए हैं बाकी ये लेवल रहेगा ऑल टाइम हाई इंपॉर्टेंट लेवल है अगर मार्केट ऊपर के जोन में जाएगा तो इस लेवल की पूरी पूरी इज्जत की जाएगी तो इसको भी मार्क कर लिया जाए सो मार्केट इस तरीके के लेवल्स में बहुत ही ज्यादा आसपास लेवल हो चुके हैं बट क्या करें मार्केट साइडवेज रहा है तो लेवल भी आसपास रहेंगी मार्केट क्लोज ओपन हो रहा है ट्वेंटी टू थ्री एटी फाइव ट्वेंटी टू थ्री फाइव अरे बाप देखो इस तरीके से छलावा होता है <laughs> कॉल वाले नौ बज के तीन मिनट पे कॉल वाले बड़े खुश सो पॉइंट गैप अप मार्केट वाह 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 मजे आ गए मजे ही मजे और अल्टीमेटली मार्केट सड़सठ पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है ये देखो भाई ये आपको प्री ओपन मार्केट जो होता है नौ बजे से लेकर नौ बजे आठ मिनट उसमें भी सहमति नहीं बन रही है उसमें भी क्लियर कट पता नहीं चल रहा है कि बुरेश मार्केट या बियरेश नौ बजे से नौ तीन तक मार्केट सौ पॉइंट गैप अप दिख रहा है और नौ बज के मिनट से नौ बज के आठ मिनट के बीच में मार्केट में फॉल आ गया प्री ओपन मार्केट सड़सठ पॉइंट डाउन दिखा रहा है क्या चल रहा है तीन तो सौ रहा है यहाँ पे बहुत ही शानदार गैप डाउन तीन सौ जो लो है ना कल का लो इसके नीचे क्लोज हो रहा है ये क्या हुआ ये जो लो है इस लो के नीचे ओपन हो रहा है मार्केट एक बड़ा गैप डाउन मार्केट में देखने को मिल रहा है तो भाई मार्केट तो न्यूट्रल था हमारा एक्सेल शीट के हिसाब से बट इस गैप डाउन ने मार्केट में थोड़ी बियरिशनेस का तड़का डाल दिया है हालांकि सड़सठ पॉइंट का गैप डाउन है उतना बड़ा भी गैप डाउन नहीं है बट ये चार्ट दे... चार्ट देख साइडवेज था ना इसलिए गैप डाउन बड़ा दिख रहा है तो देखते हैं ये लेवल सरवाइव कर पाता है कि नहीं यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट लेवल आज का कौन सा रहेगा ये कल के दिन का लो जो लेवल है इसको अगर मैं बता दूं सभी ऑडियंस के लिए 22390 के आसपास 22390 का जो लेवल है 22390 ये लेवल आपके लिए आज एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा 22390 इस लेवल की लड़ाई है आज बियर्स ने ऑलरेडी गैप डाउन करके मार्केट इसके नीचे ले आया है तीन के आसपास ले आया है क्या बुल्स यहां से इसको पलटी मारेंगे देखना देखेंगे दो मिनट बाद ही पता चलेगा कैंडल किस तरीके से ओपन होगी तो ये लेवल की लड़ाई है ठीक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजे आने वाले हैं आज दो दिन तो हमने कुछ किया भी नहीं एक तारीख दो तारीख कुछ नहीं किया तो आज भी आज तमाशा देखते हैं बुल्स और दोनों जो है एक तरीके से एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन हुआ है कल देखो कल किस तरीके की हरकत हुई कल मार्केट जो है यहां पे हमारा ओपन हुआ मार्केट नीचे आया ये लेवल लो ब्रेक करने की कोशिश करी और बुल्ज यहां से ऊपर ले गए फिर ऊपर ले गए तो क्या बचाए रखे नहीं फिर ने नीचे ले गया फिर फिर लेवल तोड़ा ऊपर गया तो इस तरीके की दोनों ही अपने आप को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, हम लोग अभी थोड़ा केयरफुल होकर के काम करेंगे क्लियर कट कर मोमेंटम का वेट करेंगे मोमेंटम क्लियर कट देखेगा तभी कुछ डिसीजन लिया जाएगा नहीं तो फंसने का काम नहीं होगा है ना ओपन होने देते हैं मार्केट ये लेवल इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए साहब एक मिनट बचा है एक मिनट में सारा काम खुलने वाले और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मार्क कर लिए जाए बैंक निफ्टी को क्यों सौते व्यवहार किया जाए बैंक निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी हमारा ही इंडेक्स है ऐसी बात नहीं है बैंक निफ्टी कहांगे? एक में बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी भी है अपना चलिए ये हाई लो मार्क कर लिए बैंक निफ्टी के और ये पांच मिनट कैंडल का ये भी मार्क कर लेते हैं हाई चलो ठीक है बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मार्क कर लिए हैं निफ्टी के लेवल्स भी मार्क कर लिए हैं चलिए बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन हो रहा है लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है 350 के आसपास यहां कहीं ओपन हो रहा है बड़ा गैप डाउन है लाइक नंबर छह क्या बात है भाई साहब सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक कर दो मार्केट ओपन हो गया है मार्केट में हम आपके साथ हैं ठीक है बट लाइक चाहिए शर्त एक ही है कि लाइक करो सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक कर दो जितने भी लोग अभी ज्वाइन हो बिल्कुल बेधड़क लाइक बटन पे क्लिक करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये ना मार्केट हो रहा है गैप डाउन गैप डाउन ओपन हो रहा है यहां पे नीचे से बाइंग आने की कोशिश हो रही है यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है कि नीचे से बाइंग करें बट कोई ना कोई एक, एक ऐसा इंडेक्स है जो उधम कर रहा है जिसने मार्केट को नीचे गिराया है एक बार उस कल्परेट को पकड़ा जाए कौन है भाई वो जो मार्केट को नीचे गिरा रहा है hmm. जरा उसको पकड़ा जाए पहले तो ये निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी भी चलो ठीक है थोड़ा नीचे से बाइंग दिखा रहा है फिन निफ्टी भी नीचे से बाइंग दिखा रहा है रिलायंस नीचे जा रहा है ठीक है आई थोड़ा पॉजिटिव है ऑटो एफ एम सी जी ओके एफ एम सी जी में क्या हो गया भाई ये एफ एम सी जी बुरी तरह से गिर रहा है और फार्मा भी गिर रहा है एफ एम सी जी फार्मा गिर रहे हैं बाकी सारे इंडेक्स तो चलो निफ्टी की हवा को मैच करते हुए दिख रहे हैं चलिए ठीक है लेवल ब्रेक हो गया नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा सपोर्ट कहाँ मिलेगा सपोर्ट यहां मिलेगा कहा मिलेगा? मिलेगा।, मिलेगा सुकून सुकून मिलेगा लो पे यहां मिलेगा सपोर्ट ठीक है भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से रेड कैंडल बन रही है इसको बन जाने दो पहले पांच मिनट में शांति से बैठ वेट करेंगे है ना पहला पांच मिनट शांति से वेट करेंगे अब ये दो दिन तो साइडवेज रहा है अब आज ट्रेंड करना चाहिए तो अभी शुरुआत में ही तो खत्म नहीं हो जाएगा ना करके चलो तब तक हम क्या करें तब तक एक काम करते हैं कॉल ऑफ के स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेते हैं देखो जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है देखो भाई मार्केट कहीं नहीं जाने वाला अभी ऐसा हो गया गैप डाउन होके ऐसा नहीं की सौ दो पॉइंट क्रैश हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है इसको अभी बनने दो बुल्स आएंगे बुल्स ऐसा तो है नहीं फ्री फर्ट में बैठे होंगे बुल्स भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है इसको बन जाने दो कैंडल को कोई दिक्कत नहीं है सो so, हम लोग अभी चलते हैं कैंडल स्टिक है, स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है दूसरे शीट पे चलो डुप्लीकेट ओपन करो डुप्लीकेट ओपन किया है यहां पे हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आए हैं और सौ रुपए वाला स्ट्राइक हमारा बाईस या तीन सौ सौ रुपए वाला स्ट्राइक सबसे बेस्ट है। ये चार्ट लगा लिया कॉल का पुट में लगा लिया ये एक सौ नौ वाला अब इनको कर लो एक एक मिनट पे देखेंगे एक एक मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोनों को कॉल गिरे जा रहा है पुट बढ़े जा रहा है तो ये जो बिगिनर लोग हैं उनको मैं एक बार बता दूं भाई क्या हो रहा है यहां पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के चार्ट लगा लिए हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है भाई ये क्या होता है ये क्या हो गए हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बताता हूं जरा पुट में थोड़ा अभी माहौल बनने की कोशिश हो रही है है ना तो वॉल्यूम आ रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ऊपर से थोड़ा संकोच कर रहा है बस इसी का वेट करना है हमको क्या है कि ऊपर से थोड़ा ये संकोच करे और यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस रहेगा ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यार ये रेजिस्टेंस रहेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस में भी यहां पे मिल सकता है लेट्स सी चलो लेवल्स तो क्लियर हो गए है ना ओके कॉल ऑप्शन बुरी तरह से गिर गया है पुट ऑप्शन तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है पुट ऑप्शन में मोमेंटम का रूल देख लिया जाए मोमेंटम क्लियर है पुट ऑप्शन में लेवल वगैरह भी ब्रेक कर दिया है ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ लेवल ब्रेक हो गया है ये लेवल था ये इंपॉर्टेंट लेवल था देखो ये पुराना ऐतिहासिक लेवल था इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और क्लियरली अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है अब रिट्रेस कर रहा है अब ये हाई ब्रेक करने दो इसको हाई ब्रेक के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा स्पेस भी है ठीक है सी निफ्टी का क्या हाल है निफ्टी यहां से देखो बाइंग आ रही है बैंक निफ्टी बिल्कुल कंफ्यूज निफ्टी में नीचे से बाइंग आ रही है इसलिए शांति से अभी बैठे रहो कुछ मत करो है ना मार्केट अपने आप अप गाइडेंस देगा अपने को कि किस साइड में मूव आने वाला है, है तक तो कुछ नहीं करना शुरुआत में देखो पहली पांच मिनट कैंडल तो एटलीस्ट बन जाने दो देखो किस तरीके की कैंडल बनी है मैंने क्या बोला यहाँ से ऐसा नहीं है कि शुरुआत में सीधा सौ पॉइंट क्रैश हो जाए इसलिए इतनी जल्दीबाजी मत किया करो यहाँ पे अगर नीचे जाएगा ना तो थोड़ा रुक रुक के जाएगा तब तक अपने को बहुत टाइम मिलेगा तब तक माहौल हम जज कर लेंगे तो यहां से देखो बाइंग आई नीचे से बाइंग आई बायर्स भी यहाँ पे देखो फर्श तो मार रहे हैं क्योंकि देखो दो दिन का साइडवेज मार्केट है इतनी आसानी से बायर्स छोड़ेंगे नहीं ऐसा तो है नहीं कि क्लियर कट बी मार्केट था तो आज खुलते ही मार्केट फट जाएगा नीचे जाएगा क्रैश हो जाएगा नहीं बायर्स में कुछ तो दम है तभी तो मार्केट को साइडवेज रखे हुए थे है ना तो यहाँ पे इसलिए बायर्स ने सपोर्ट दिया है बट अगर ये फिर से रेड बना रहा है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ न्यूज है लेट सी देखते हैं तो ये जो लेवल है पांच मिनट के अंदर का लो इसका सपोर्ट देखते हैं ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक डाउन मूव की स्टार्ट हो जाएगा है ना बट यहाँ पे नीचे से बाइंग बार बार आ रही है इस लेवल से तो जब तक बाइंग आ रही है तब तो तक, तक कुछ कर भी नहीं सकते है ना यह हमारा देखो ये क्या बात हो रही है ये नीचे नहीं आ रहा है ये ऊपर जा रहा है पुट ऑप्शन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है देखते हैं हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे माहौल क्लियर हो जाएगा कॉल को तो हमने बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा छोड़ दिया है कि कोई इज्जत ही नहीं है फिर भी लगा लो एक लेवल तो लगा ही लेते हैं कॉल में ठीक है ओके ये क्या बात हो रही है निफ्टी यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और ऑप्शन बिल्कुल ऊपर बना हुआ है तो यह समझने वाली बात है कि पुट ऑप्शन में स्ट्रेंथ तो है भाई पुट ऑप्शन में स्ट्रेंथ है बिल्कुल है पुट ऑप्शन में डेफिनेटली स्ट्रेंथ चल रही है लेवल नीचे और मेरे को एक ऐसा फील आ रहा है कि यहां पे जो है दो बार अटेम्प्ट मारा है इसने नीचे से बाइंग आ रही है यहाँ पे भी अटेंड मार रहा है नीचे से बाइंग आ रही है तो ये कैंडल का देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैंडल किस तरीके से बन रही है अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज जाती है ये 50 परसेंट कैंडल के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो समझ लो मामला न्यूट्रल फिर से हो गया है बट अगर ये थोड़ा नीचे ही क्लोज होती है फिफ्टी ये हाई के नीचे ही अगर क्लोज होती है रेड में ही क्लोज होती है तो ये समझ सकते हैं कि बियर गैंग अभी स्ट्रॉन्ग अंड्स में है और यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी एक तरीके से लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी में ये जो लो है इस पर एक लेवल मार्क किया जाए तो देखो ग्रीन बन रही है कैंडल तो इसका मतलब कि बुल्स यहां से डिफेंड तो कर रहे हैं लेवल को हाँ जी वीवेप लगा लेते हैं ये वीवेप हट के हो जाता है ये। वी वी -ए वी लगा लिया यहां पे भी वीवेप लगा लिया क्लियर कट बता रहा है कि पुट साइड में देखो वीवीएफ के ऊपर है वीवीएफ का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है पुट है ना ओके चलिए साहब कमेंट रीड किया जाए क्या बोल रहे हैं सभी लोग के बारे में बताएं जी मुकेश भाई बोल रहे हैं प्लीज बताओ पुट में एसबीएससी रूल लगेगा कि नहीं लगेगा पुट में देखो भाई लग लगने की जरूरत मेरे को नहीं लग रही है क्यों क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लेवल था ये एक ऑलरेडी लेवल था इसको इसने ठीक ठाक तरीके से ब्रेक कर भी दिया है यहाँ पे देखो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो फिर दोबारा एक लेवल का ब्रेक करने का वेट करना है अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव है तो वेट कर सकते हो क्योंकि एक बार चलेगा तो फिर ऊपर इतिहास रच सकता है कंजर्वेटिव हो तो कर लो बट रिस्की काम रहेगा मेरे हिसाब से तो ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बट वही बात आती है कि या तो कंजर्वेटिवली करो या फिर रिस्की तरीके से करो तो डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट है ना वैसे तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दे दी है मोमेंटम का रोल क्लियर कर दिया इसने है ना So, अब ये हाई ब्रेक के ऊपर यहां पे स्पेस ठीक ठाक है लेट्स सी निफ्टी के चाचा रिलायंस को देखो क्या बात है चलो ये हाई ब्रेक करने की कोशिश में है भाई यहां पे ग्रीन ओके ये देखो रेड बन रही है कैंडल सेकंड कैंडल भी रेड बनी है मतलब सेलिंग का प्रेशर तो है भाई सेलिंग का प्रेशर तो है लो ब्रेक करने की पूरी पूरी एफर्ट्स मार रहा है पूरा पूरा एफर्ट्स मार रहा है ये लो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा छोटा सा ट्रेड मिलेगा ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा यहां पे देखो ब्रेक हो गया है लगभग ब्रेक किया है हम्म हम्म निकालो भाई 114 से 117 चला गया है 117 35 चलो निकालो 117 सौ 118 बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया 117 मेरे हिसाब से तो काम हो जाना चाहिए 119 50 बहुत ही 121 क्या बात है जबरदस्त ट्रेड 114 से लेके सीधा सीधा 122 तक गया है और जैसा कि मैंने बोला कि एस वी एस सी एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था इसने ठीक है तो एक बढ़िया ट्रेड मिल गया ठीक ठाक ट्रेड मिल गया है ना चलो 113 से 118 बहुत ही बढ़िया 6 पॉइंट बुक अंकुर गुप्ता बहुत ही शानदार चलो शुरुआत तो हुई आखिरकार दो दिन की हड़ताल के बाद आज जाके यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं तो सब लोग ये ताली बजा दो भाई मार्केट में शुरुआत हो चुकी है पॉइंट्स की हिना शाह 114 हिना शाह इज बैक क्या बात है 114 से 120 जबरदस्त अयान बली 3 पॉइंट बुक हर्षद भाई 6 पॉइंट बुक हर्षद मेहता क्या बात है अभी जी पॉइंट एजे ऑफिशियल एक से एक बहुत ही बढ़िया अठारह प्रॉफिट दस पॉइंट चूक गए कोई बात नहीं पांडे जी आगे ट्रेड मिलेगा पॉइंट से एक सौ अठारह इतना ही चाहिए दोस्त इतना ही चाहिए देखो मौका मिलेंगे और भागेगा तो मौका मिलेगा बट अभी के लिए इतना काफी है दो दिन का सूखा था थोड़ी बहुत फसल मिली है इंजॉय कर लो पेट भर लो अपना है ना दो दिन से तो अकाल था दस पॉइंट सात पॉइंट एक सौ चौदह से एक सौ इक्कीस और एक बार सभी लोग एस बी एस सी असरूल जिंदाबाद ये फोमो में हम लोग नहीं फंसे ये फोमो में नहीं फंसे हम ये लेवल ब्रेक हुआ आराम से हमने वेट किया साइडवेज रहा मार्केट हाई ये लगा लिया था हमने हाई ब्रेक होने साथ ही एक बढ़िया ट्रेड आठ दस पॉइंट का मूवमेंट था आराम से कैप्चर हो सकता था मार्केट गुरु 114 से 119 बहुत ही बढ़िया ठीक है एस बी एस क्या बात है अभी पुट रुक जाओ थोड़ा अभी रुक जाओ दोस्त पुट के लिए रुक जाओ थोड़ा निफ्टी में क्या चल रहा है सॉरी बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी चलो बैंक निफ्टी भी धोखेबाजी कर रहा है देखो किस तरीके से एक तरीके से छलावा तो हुआ है बट हमें हमारा जो रूल है और हमारी जो एग्जिट स्ट्रेटजी है उसके कारण हम बच गए हैं है ना इस ये जो इस टाइप के इसको देख के कोई भी नहीं बोल सकता है कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी बट एटलीस्ट हम लोगों ने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकाली क्योंकि यहाँ पर पे पेन था स्टॉप लॉसेस कटे हैं इसलिए यहाँ पे मूवमेंट आया है क्योंकि हमारे लेवल जो निकाला है ये लेवल ये लेवल ऐसे ही नहीं निकाला है यहाँ पे पेन था इसलिए यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल गया अगर ये यहाँ से क्रैश हो जाता तो ये और अच्छे तरीके से भागता बट हमारे लिए इतना काफ़ी है अच्छा भावानी सिंह <laughs> अशरफ अली तुम्हारा एस रूल जिंदाबाद है हमें इसको तकलीफ नहीं प्राइज एक्शन जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा क्या बात है ये एस बी एस सी एस रूल प्राइज एक्शन का ही बेटा है साहब इसको आप गलत समझ रहे हो <laughs> ये गदर टू है एक सौ चौदह एक सौ उन्नीस ठीक है अभी वेट करेंगे दोबारा से वेट करना पड़ेगा ठीक है ये यहाँ पे एक चाल दशा में आ गई है बियर्स की कि भाई यहाँ पे पैसा ऐसा है नहीं फ्री फोकट में यहाँ पे टेलर बना रहा है यहाँ पे नीचे लाके यहाँ पे लाके एक तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करी पैसा नहीं है बुल्स ने यहाँ से पीट दिया है तो भाई थोड़ा केयरफुल हो जाना है बुल्स के लिए रिस्पेक्ट करना थोड़ा बुल्स के लिए रिस्पेक्ट और बियर्स से बोलना कि भाई थोड़ी देर बाद सोच के बताएंगे चाचा जी से पूछ के बताएंगे है ना ऐसा करके बात करना बियर्स से नो नहीं बोलना है बियर्स को को पुट नो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा इसमें हम सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एक धोखा किया गया है पुट ने हमारे साथ और बुल गैंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है चलो सी यहाँ पे अगला जो लेवल है ना ये लेवल पे बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो ये लेवल तक पहुंचेगा भी नहीं है ना 124 के आसपास आएगा भी नहीं क्योंकि पर्दाफाश हो चुका है कोई भी डर नहीं करेगा इसको जाने, ले जाने के ऊपर फिर भी ऊपर एक लेवल मार्क किया जाए भाई लेवल की पावर देख रहे हैं आप ये जो रुका है बिल्कुल लगभग लेवल के आसपास ही रुका है लेवल हमारा था 123 के आसपास 122 के आसपास रुक गया था तो मैंने बोला भी था स्पेस इतना ही है ये स्पेस इतना ही बोला था तो इससे ज्यादा अगर कोई उम्मीद करता है तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी अगर कोई होल्ड करके बैठा हुआ है कि बोला यार यहाँ पे एंट्री लेने का बोला और हम होल्ड करके बैठे हुए हैं लॉस हो गया तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता साहब क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला कि स्पेस इतना ही है यहां से यहां तक के बीच में तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एक्सपेक्टेशन कितनी है पहले भी बोला था कि छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन लेके जाना छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद मत करना क्योंकि स्पेस भी कम है और मामला थोड़ा क्रूशियल है है ना साहब आगे दिखाएंगे हम आपको तो लाइक तो बनता है यूट्यूब करो सभी यूट्यूब बटन पे क्लिक करेंगे वन टू थ्री प्लीज एड द लाइक बटन सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करते चलो बारह सो लाइक से देखते हैं कहां पे पहुंचाते हो पच्चीस सौ करा दो एक ही बार में बारह सो से सीधा पच्चीस सौ का ब्रेकआउट डबल करा दो रोहित पाल बोल रहे हैं मैं तो पांच पॉइंट लेने गया था बारह मिल गए <laughs> क्या बात है बस वही एक्सपेक्टेशन कम करके जाओगे ना तो ज्यादा मिलेगा बट ज्यादा की लालच में जाओगे सब चला जाएगा यही खेल है कोई बीस पॉइंट के लालच में गया होगा ना तो वो अभी भी बैठा होगा लालच में कोई अगर दो तीन पॉइंट पांच पॉइंट के ल, उससे बैठा होगा ना उसको देखा पांच पॉइंट के बाद और एक्स्ट्रा होगा आठ दस पॉइंट वो तो क्या मजे मजे बुक करो भागो सब साइकोलॉजी का गेम है साहब सब साइकोलॉजी का गेम है भाई साहब लाइक बढ़ाइए लाइक बढ़ाइए सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करें 1900 लाइक पहुंच गए चलो लाइक तो एक ही होता है ना हाँ जी साहब एक ही करना है अपने यहां पांच हजार भाई लोग बैठे हुए हैं पांच हजार भाई बहन सभी लोग मिलके लाइक बटन पे क्लिक करते हैं चलिए यहां पे क्लियरली एक साइडवेज मार्केट आ गया है और क्या चल रहा है निफ्टी में निफ्टी में चल रहा है एक तरीके से धोखेबाजी ये रेड कैंडल देख के शुरुआत में काफी लोग बहुत एक्साइटेड हुए होंगे बहुत एक्साइटेड हुए होंगे रेड कैंडल देख के अरे आज तो मार्केट गिरेगा बुरी तरह से फॉल आएगा बट ये देखो सब छलावा है दोस्त बुल्स इतनी आसानी से मार्केट को नहीं छोड़ेंगे ऐसे कैसे छोड़ देंगे मार्केट को छोड़ने में इतिहास रहा है अटक से लेके कटक तक गए कटक से लेके अटक तक गए यहाँ पे देखिए बुल्स का में इतिहास देखो यहां से कहां से डक्कन से लेके लाहौर तक अपना ही अपना राज्य और यहाँ से थोड़ा फिसल के दिल्ली तक आया है तो अपना ग्वालियर को तो बचाएगा ओके okay. मैं कंट्रोल करना सीख गया हूं बिल्कुल उदय भाई मैं ग्वालियर से हूं बस आप ही की जमीन बचानी है साहब चलो ये देखो बुल, बुल्स लग गए अपने काम में इन्होंने इनको फंसा लिया है इस अवदाली की सेना आई यहां पे एक तरीके से अब इसको यहां पे फंसाया जा रहा है चलो ठीक है देखते हैं हम लोग भी अब्दाली के साथ हो गए थे कुछ देर के लिए <laughs> गद्दारी करवे देश के साथ गद्दारी की हम लोगों ने बट ठीक है क्या कर सकते हैं सीरियसली मत लेना सही में गद्दारी नहीं करी अपन ने पुट में जाके ऐसी बात नहीं है मार्केट है जहां भी जाएगा वहां पे जाएंगे बट एक तरीके से बुल्ज अपने जो कॉल है वो गुस्सा तो हो गया होगा बनारस से सलाम क्या बात है सलाम साहब चलिए साहब ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं छलावा हो चुका था बट हम लोग यहां पे सेफली बच चुके हैं ऑप्शन एक तरीके से गर्त में जाता हुआ नीचे से एक नेता का उदय हो रहा है यहां से नीचे से एक नेता ग्वालियर से निकल रहा है लेवल ब्रेक करें पहले पहला लेवल कौन सा लगा दिया जाए यह चुनाव लगा दो भाई चलो साहब इस जनपद सदस्य का चुनाव लड़ाया जाए इसको जनपद सदस्य का चुनाव जीतेगा फिर देखेंगे ऊपर विधायक के चुनाएंगे इसको हर में आप ट्रेडर के पीछे हस्तर का हाथ होता है <laughs> बिहार की तरफ से सलाम जय बिहार चलिए मार्केट है, खाएगा मार की इज्जत कोई ट्रेड नहीं दे रहा खुजरा से गेम शो मजामा भाई मिस्त्री जी हर ट्रेडर के पीछे सीर रिजल्ट सर अरे क्या बात है शैतान देखना आज वशीकरण पे है हाँ सर शैतान मूवी का बहुत चल रहा है उसको भी देख के उसको भी अपने एक तरीके से प्लॉट में लाएंगे चैनल पे शैतान मूवी के भी कैरेक्टर लाएंगे बहुत समस्या वो प्रचार में बहुत समय लगा रहे हो साहब थोड़ा एक आध चुनाव जीतो छोटा सा चुनाव लगाया आपके सामने यार आप ऐसे नहीं है लड़ने के लिए चंदा ले रहे अभी <laughs> ब्रह्म देखे क्या नहीं देखे साहब उसका ट्रेलर देखा मैं बहुत ही ज्यादा डर गया ट्रेलर देख के सब ब्लैक ब्लैक है आपको प्राउड फील होता होगा सर आप सभी का प्यार है साथ है बना रहे ना साथ में ग्रो कर रहे हैं सभी लोग है ना चलो बैंक निफ्टी थोड़ा शादी में फूफा जी की तरह हो चुका है अच्छे खासा माहौल चल रहा है ऊपर जाने की बात चल रही है यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं हम तो चले नीचे ये क्या बात कर रहा हो बैंक निफ्टी साहब आपको अलग से मनाने के लिए आए क्या नहीं मान गए मान गए <laughs> इस तरह बढ़िया सब हरा हरा चल रहा है कह रहे नहीं हम तो नीचे जा रहे हैं हम नहीं आएंगे निफ्टी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी यहां पे बोल रहे हैं हम नीचे जाएंगे हम नहीं आ रहे बारात में चलो ठीक है हम ज्वाइन करते हैं बारात को देखो भाई जनपद सदस्य का चुनाव लगाया है जीतने की कोशिश पहले आराम से इसको ब्रेक करने देंगे जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा ठीक है आराम से एस वी रूल पे वैलिडेट करेंगे इसको क्लोजिंग होगी अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल के साथ क्लोज होना चाहिए बेहतरीन शानदार कैंडल होनी चाहिए बड़ी कैंडल अच्छी तो ब्रेकआउट हो जाए फिर देखते हैं आराम से पकड़ेंगे इसको फिर तो माहौल खुला खुला है हवाई हवा है गार्डन गार्डन हो गया है आराम से देख लेंगे इसको ना कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे आराम से लेवल ब्रेक करने दो चुनाव जीतने दो फिर देखेंगे इसको आपका स्क्रीन क्लियर नहीं है सब एक बार क्वालिटी बढ़ा दीजिए मेरे को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आप भी अपने एंड पे देखिए क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइए सेटिंग्स पे जाके चलो ठीक है चलो भाई निकालो कॉलबा इंडिया विक्स इंडिया विक्स से क्या लेना साहब भाव भगवान छे भाव ऊपर नीचे होगा इंडिया विक्स अपने आप ऊपर नीचे होगी उसको देख के क्या ही करो उसको देख के बस पता चल जाएगा कि हाँ चलो विक्स डाउन है प्रीमियम डाउन है तो उससे क्या उससे क्या करोगे जान के इंडिया विक्स को देख के आपसे मार्केट का इंडिया विक्स हो गया ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो गया पुट कॉल रेशियो वगैरह ये सब चीजें जो है डेटा पॉइंट जो कि ड्राइव होते हैं डायरेक्ट प्राइस से ही इनको देख के आप अभी की स्थिति पता कर सकते हो कि अभी क्या है अभी मार्केट बुलिश है मार्केट में मार्केट बुलिश है मार्केट है, में वॉलिटिटी ऊपर है नीचे अभी की स्थिति में बट आगे क्या होने वाला है उसका अनुमान कैसे लगाओगे वो तो प्राइस ही बताएगा विक्स अभी गिरी हुई है प्राइस बढ़ना लगेगा तो बढ़ जाएगी तो फिर बढ़ने लगेगा तो हम तो यहां प्राइस को ही देख रहे हैं डायरेक्ट हम तो सीधे नेता प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं पीए प्रधानमंत्री के पीए के साथ बैठे हैं प्राइस एक्शन <laughs> प्रधानमंत्री ने पीए तो सारी पॉलिसी हमको पता चल रही है विक्स ऊपर हो नीचे हो कोई मतलब नहीं प्राइस बढ़ेगा वॉलिटिटी आएगी हमको यहाँ पे चार्ट पे देखिए हम तो हमला करेंगे ना हम तो प्राइस पे हमला करेंगे डायरेक्ट हमें क्या करना कि विक्स ऊपर हो नीचे हो समझ रहे हो ये बात उनके लिए बढ़िया है जो ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रहता है उनका कि दो तीन दिन के लिए चार पांच दिन के हफ्ते भर के लिए होल्ड करके कर रख रहे हैं तो अभी स्थिति पता करें कि विक्स कैसी है फिर विक्स प्रोडक्शन वगैरह करते हैं प्रोजेक्शन वगैरह वो अलग गेम है हमें देखो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है चलो ठीक है इसको जिताने दो आज तो सरपंच बने तो भी बहुत है <laughs> अरे क्या हुआ पीट दिया भाई इसको नेता बन रहा था पुट गैंग आई इसको पीट दिया खून खून हो गया ब्लड बात साथ में कार्यकर्ता भी पिटे अखबार की न्यूज जा रहे थे चुनाव जीतने बीच में गाड़ी रोक के पीट दिया ओहो हो बुरा हुआ क्या रेड <laughs> की दादागिरी है भैया ओहो भाई साहब पीट दिया यार कह रहा था भैया आप ही ने खड़ा किया था और हमको पिटवा दिए चलो चलो कोई बात नहीं अगली बार फिर से सुना लड़ाएंगे तुम तो। क्या हो रहा है यहां पे निफ्टी में ऊपर जाने की कोशिश करी गई बट वहां से सेलिंग आ रही है वहां से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो ठीक है और बैंक निफ्टी जो है थोड़ा नाखुश लग रहा है तो इसलिए सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा जनपद का चुनाव नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे कोई मेरा भाई यहां पे फंसा तो नहीं है बता दो एक बार कॉल में होगा कोई ना कोई तो होगा पक्का पक्का कोई ना कोई मेरा दोस्त होगा जो ये ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना इसमें फंसा होगा पक्का हंड्रेड परसेंट बताओ कौन है ये जो ग्रीन कैंडल में फंसा था नहीं, नहीं 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 कोई तो होगा ईमानदारी से बताना यस शरद भाई और मैं बोल रहा रहे कौन बोल रहा है मैं मैत्री पटेल देखो गलती हो रही है साहब है ना ये देखो क्रिस्टल पटेल कुछ लोग तो हैं मैं फंसा हूं क्रिस्टल पटेल और पूजा स्वामी स्वामी ये भी फंसे हैं यंग स्कैल्पर भी फंस गया है तो देखो ये छलावे होते ही रहते हैं है ना इसलिए थोड़ा आराम से पीछे बैठ के काम किया करो एक बार मोमेंटम की सील लग जाए है ना मोमेंटम की सील लग जाए उसके बाद करेंगे पेशेंस से काम लिया करो मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देता है एक स्ट्राइक अगर चलता है तो लंबा चलता है तो उसके लिए पहले फाउंडेशन क्लियर कर लिया जाए कि भाई एक्चुअल में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, है ना इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है आराम से पेशेंटली वेट के काम करेंगे है ना यहाँ पे हमने शुरुआत में पेशेंट किया ना यहाँ पे हम नहीं लपके यहाँ पे हम लोग नहीं आए कि बल रहा बड़ रहा फोमो नहीं हुआ हमको हमने बोला कि थोड़ा वेट करो आराम से साइडवेज हुआ लेवल के ऊपर क्रॉस हुआ हमने लिया ऐसे ही करके यहाँ पे भी आराम से लेवल वगैरह क्लियर करा के बढ़िया सेट करने के बाद इसका फायदा लिया जाएगा इसको चुनाव उनाओ जिताओ पहले पहले कमाने का सोचोगे तो यहां वहां सब बात फैल जाएगी कि ये फर्जी नेता है जनपद चुनाव सरपंच जी के चुनाव में भी ये खाने का, का काम कर रहा है पहले उसको बढ़िया सेट कर दो इस नेता को इसको बढ़िया चुनाव जिता दो दो चार फिर उसके बाद जब ये सेट हो जाए जनता में पॉपुलर हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके साथ पैसा खाना स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो अभी तो इसको सिर्फ और सिर्फ खाने पर फोकस नहीं करना है इसको अभी सब जिताने पर फोकस करना है तो पहले इसको जिताते हैं Uh, रूबुलरिया जी बोल रहे हैं कि इससे प्रॉफिट बन सकता है क्या मंथली बेसिस पे मैं नहीं बताऊंगा सभी लोग बताएं जिस जिसने लास्ट मंथ लास्ट मंथ प्रॉफिट में क्लोज किया है सभी लोग बताइए कितने लोगों ने स्ट्रीम के साथ बैठ के पूरा मार्च प्रॉफिट में क्लोज किया है और अपना स्ट्राइक रेट भी शेयर करें सभी लोग अपना स्ट्राइक रेट शेयर करें और अपना प्रॉफिट लास्ट मंथ का बताएं कि प्लस में रहा या माइनस में रहा यस yes, प्रॉफिट उमेश जी स्टीम जी यस बोल रहे हैं प्रीति जी यस बोल रहे हैं चाचा नेहरू बोल रहे हैं यस बेटा प्रॉफिट प्रॉफिट एटी परसेंट रखे ठीक है एटी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट <laughs> चलिए बढ़िया बहुत ही बढ़िया साहब बहुत ही बढ़िया अच्छे स्ट्राइक निकल के आ रहे हैं सभी लोगों के और चलिए साहब तो भाई बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कॉल भाई को अपने को जिताना कॉल भाई नहीं जीत पा रहा है पुट की दादागिरी चल रही है ना हमारा नेता कैसा हो कॉल ऑप्शन जैसा हो पीट दिए गए आपके नेता जी यहाँ पे देखो गांव-गांव जा रहे थे जीप से रैली करने बस चुनाव के पास जा ही रहे थे बल्कि इलेक्शन ऑफिस वहां पे पीट दिया वोटिंग वोटिंग सब खत्म कर दी गई पुट गैंग ने आके बैठ गए अभी जाके नीचे मिटकैप अपनी मस्ती में मिटकैप में क्या चल रहा है भाई रुबीना hmm. खान मैं आपको दो दिन से फॉलो कर रही हूं बिल्कुल आई होप आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव हुआ होगा जी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया <laughs> भाई मारपीट हो रही है पुट को ही पीट दिया यहाँ पे पुट के नेता कोई पीट, दिया। मार पीट चल रही है यहाँ पे, 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 तो पे ना इस आराम से कोई प्रचार भी नहीं निकलेगा जब चुनाव जीतेंगे जब बढ़िया सब कुछ सही हो जाएगा तो अपन इलेक्शन ऑफिस के पास ऊपर जाके कलेक्ट्रेट के सामने कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे ठीक है हवा सब क्लियर हो जाएगी तो अभी अपन को कुछ नहीं करना है अभी ये सब मारपीट चल रही है इस मारपीट में कोई मत फंसना ये यह यहाँ पे जो लेवल के नीचे लड़ाई हो रही है लेवल के नीचे लड़ाई यहाँ पे कोई नहीं फसेगा ठीक है बात समझ में आई सभी को तीन दिन से कोई मूवमेंट नहीं गाँव गाँव दंगा <laughs> हम तो फंस गए हैं सर शरद भाई चलो इनको मैगी रिलीफ पैकेज पहुंचाया जाए मैगी पानी और एक बेहतरीन की गोली पहुंचाओ उनके पास हम हैं आपके साथ साहब ओके सर प्लीज बताइए ट्रेडिंग क्यों नहीं हो नहीं हो पा रहा है सर ट्रेड अभी कहाँ हो रहा है मोमेंट ही नहीं हो रहा है मार्केट में गुरप्रीत जी ने आज ले लिया है ठेका लगता है मैगी पानी का क्या बात है गुरप्रीत भाई के लिए तालियां ऐसे इनिशिएटिव लेने वाले लोग चाहिए जो अपने दम पे लॉस वालों को खिलाने पिलाने का काम करें गुरप्रीत जी को चुनाव लड़ाएंगे अगली बार वेब के नीचे कॉल ओपुट ना भाई नजारा नजारा देख लो कॉल ओपुट दोनों ही वेब के नीचे है मार्केट गुरु की तरफ से गुलकोंडी बढ़िया बढ़िया विनोद शेट्टी जी क्या बोल रहे हैं साहब ओके थैंक यू विनोद शेट्टी नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ट्रेड नहीं लिया है शांति से बैठे हुए हैं एटलीस्ट लॉस से बचे हुए हैं क्योंकि जहां भी घुसते हैं वहां पिटाई होती है आपकी आप भी कार्यकर्ता बन जाते चेतना शर्मा बताइए आपने सवाल पूछे जीरो हीरो बताओ अभी कहा जीरो हीरो एक्सपायरी के दिन होता है बैंक निफ्टी में ढाई बजे के बाद कर लेना जीरो हीरो इसी सेम के साथ सस्ते ऑप्शंस के साथ करके देखना वॉच करना लेना जरूरी नहीं है वॉच करके देखना मोमेंटम कैसे पकड़ें बहुत ही बढ़िया सवाल मोमेंटम कैसे पकड़ना है मोमेंटम के तीन रूल हैं दोस्तों है ना जो भी बिगनर है आई थिंक बिग्नर लोगों का सवाल है ये मोमेंटम कैसे पकड़ना है मोमेंटम की सील हम बोलते हैं कि मोमेंटम की सील लग गई ये कैसे लगती है तो हमको देखना है पहला बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है क्या बिग ग्रीन कैंडल्स सबसे पहली चीज जिस भी साइड में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनने लगे यहां पे या यहां पर तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे सेकंड है राइजिंग वॉल्यूम वॉल्यूम भी बढ़ने लगे वॉल्यूम कैंडल अकेले से काम नहीं चलेगा वॉल्यूम भी चाहिए हमको ये नीचे जो वॉल्यूम है ये ये गिर रही हैं बढ़ने बढ़ने लगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगे थर्ड होता है लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो लेवल का ब्रेकआउट जैसे यहाँ पे एक लेवल ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए तो इससे पता चलेगा क्या कि मोमेंटम की सील लग चुकी है तो समझ लो वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स घुस चुके हैं ठीक है अब वहां पे एंट्री लेनी है कि नहीं उसके लिए अलग रूल्स हैं एंट्री के लिए अलग रूल है उसके लिए हम रेड फ्लैग वगैरह देखेंगे अगर सब कुछ चंगा सी लगेगा तो बिल्कुल ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं बट सबसे पहला प्रथम पूछ मोमेंटम ये तीन चीजें जरूर देखना चलो भाई कॉल ऑप्शन दोबारा से तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी भी अरे आ गए भाई फूफा जी भी आ गए क्या बात बैंक निफ्टी भी बोल रहा है चलो अब हो गई यार बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है क्या बात है फूफा जी के आते ही बारात में एक अलग ही माहौल लेवल ब्रेक होने का वेट करेंगे आराम से शांति से लेवल ब्रेक होने देंगे कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तो तक कुछ नहीं करना ठीक है वाह वाह क्या बात अरे भाई साहब बैंक निफ्टी जी आप ही का इंतजार था बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो निफ्टी में एक अलग ही माहौल वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है लेवल की ब्रेक का वेट करना है लेट्स वेट चुनाव के बिल्कुल नजदीक क्या चुनाव जीत पाएंगे हमारे कैंडिडेट कॉल बाबुआ लेट सी टिक 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 कुर्सी अभी नहीं लगाएंगे अभी यहां पे कुर्सी कहा अभी तो चुनाव जिताना है मैंने पहले बोला ना पहले उसको शटल करेंगे उसके बाद हम लोग ऊपर जाके खाने का काम करेंगे लेवल ब्रेक तो करे एक बार ही लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है इससे ओहो हो वॉल्यूम बढ़ गया है बट कैंडल नीचे जा रही है इसका मतलब है कि सेलर्स आ रहे यहां पे लेवल ब्रेक करो भाई डाइवर्जन है तगड़ा डाइवर्जन है क्या हाँ जी तो है बहुत बड़ा डाइवर्जन है बट एक बार लेवल ब्रेक तो हो अरे भाई बड़ा ही तकलीफ हो रही है इसको बोटिंग लाइंस ओपन है जब तक ये चल रहा है तब तक लाइक बटन पे क्लिक करते चलो सब लोग है ना आज का लाइक टारगेट थोड़ा आप ही लोग बता दो कितना करने का लाइक है ना सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक कर दो है ना तब तक ये इसको अपन आगे बढ़ाने में काम करा रहे हैं बहुत ही संघर्ष हो रहा है ओहो फोर के लाइक्स वांटेड बिल्कुल जगन्नाथ सर नमस्कार लाइक like टारगेट 4000 लाइक्स का 4000 लाइक्स कर दीजिए साहब सभी लोग मिलके फटाफट तब तक हम इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है बैंक निफ्टी अरे निफ्टी निकल गया है भाई निफ्टी निकल गया है और यहाँ पे ये ऑप्शन का चार्ट क्या बोल रहा है कि सब मुहम आया है <laughs> बैठ गए यहाँ पे आगे अरे भाई साहब निफ्टी निकल गया है हाई ब्रेक करके भाई साहब बोल रहे है कि सब मुहम है सब छलावा है ऐसा नहीं यार लेवल ब्रेक करो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लेवल ब्रेक होने में अब लोग अभी बिल्कुल तरीके से आराम से बैठेंगे है ना कोई जल्दीबाजी नहीं करना है इसको ऊपर क्लोज कराएंगे तब जाके बात बनेगी ना लेवल पे कोई एंट्री नहीं होगी सब आराम से बैठेंगे क्लोज कराएंगे इसको आराम से घोड़ बहुत बड़ा डाइवर्जन है बहुत बड़ा डाइवर्जन है बड़ा ही लंबा चल रहा है संघर्ष बहुत लेकिन जुझारू है अपना कॉल भाई जुझारू जुरा, लग रहा है बार बार बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत कर रहा है लेवल ब्रेक कराने के लिए देखते हैं निकाल पाएगा कि नहीं लेवल चुनाव सक्सेस होता है या नहीं होता होगा तो फिर सबका भला नहीं होगा तो फिर फिर से बैठेंगे नए स्ट्रेटजी बनाएंगे चुनाव की कह रहा है इससे ना हो पाएगा <laughs> क्या कर रहे हो कॉल भाई डाउट कर रही है जनता आप पे ताइवान में भूकंप अरे ओहो -हो, फेल फेल साहब फेल क्लियर कट यहाँ पे डाइवर्जेंस देखा हमने गंगोर डाइवर्जेंस था यहाँ पे हाई के हाई क्रॉस करके ऊपर निकल गया ये यह यहाँ पे इससे ये छोटा सा हाई नहीं निकला ये हाई क्या ही निकलता तो क्लियरली पता चल गया है कोई दम नहीं है कॉल ऑप्शन में कॉल ऑप्शन ने बेवकूफ बना के छोड़ दिया है ठीक है आराम से बिल्कुल शांति से अपना तीर कमान लेके वापस आ जाइए आई होप सभी लोग शांति से बैठे होंगे यहाँ पे किसी ने यहाँ पे उछलकून नहीं की होगी क्योंकि लेवल ब्रेक नहीं हुआ है हम तो लेवल ब्रेक होने के बाद आराम से क्लोजिंग का वेट कर रहे थे लेवल ही ब्रेक नहीं हुआ तो आई होप सभी लोग शांति से बैठे होंगे यहाँ पे कोई था तो नहीं यहाँ पे फंस गया भाई अपना उसके लिए बलिदानी टैग दिया जाएगा कोई फंसा है यहाँ पे अरे फंस गए क्या बात कर रहे हो चार हजार का लॉस कर लिया है सर गेमर क्या कर रहे हो साहब आप बोलते बोलते नहीं मान रहे हो जय किशोर फाइव पॉइंट लॉस जबरदस्ती क्या कहते हैं युद्ध चालू नहीं हुआ और चले गए आ गए ना खून बहा के अपना वापस सुबोजीत फंस चुके हैं गुरप्रीत भाई सभी लोगों को मैगी पानी पहुंचाओ जबरदस्ती पंगा ले रहे हैं लोग कार्यकर्ता काहे को बन रहे हो मान के मेरी बात मानो आराम से इसको लेवल क्रॉस करने देते हैं मोमेंटम की सील लगा देंगे आराम से मोमेंटम बने देंगे फिर तो द लिमिट बढ़ता रहेगा स्ट्राइक तो हम उसको लेते रहेंगे पर नीचे जमीनी स्तर पे तो काम हो जाना चाहिए ना बिल्कुल जो लोग बच गए है, लो हैं सब लोग अपने अपने पीठ थपथपाए क्योंकि जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमको मोमेंटम का पता नहीं चलेगा ठीक है ये जो सब छलावे हैं ये जितना भी नीचे हो रहे हैं ये सब छलावे हैं असली एग्जाम है ये लेवल ब्रेक होना चलो लेवल ब्रेक होने की कोशिश दोबारा से लेट सी दोबारा से आ रहा है यहां पे वॉल्यूम थोड़ा कम ही है वॉल्यूम भी अच्छा आना चाहिए और अच्छी कैंडल के साथ क्लोज होना चाहिए तब जाके बात करेंगे अरे वाह क्या बात है ओ हो हो फट गया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आराम से क्लोजिंग होगी इसकी आराम से क्लोजिंग का कर वेट करेंगे इसका चुनाव जीता बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीता है बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीता है मोमेंटम बन चुका है वॉल्यूम जबरदस्त बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम जबरदस्त मोमेंटम बहुत ही शानदार रिट्रेस होने दो आराम से थोड़ा साइडवेज हो जाए मजा आ जाए एक आध दो कैंडल यहाँ पे आराम से बन गई तो बहुत ही बढ़िया है हाई ब्रेक पे बहुत ही शानदार मूवमेंट आ सकता है लेट सी यहाँ पे निफ्टी भी निकाल दिया है हाई अगला रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है स्पेस है ठीक ठाक एक आध थोड़ी रेड कैंडल बन जाए थोड़ा साइडवेज कैंडल बन जाए डोजी वोजी चलो हाई ब्रेक कर दिया है एक सौ उनतीस से एक सौ तैतीस एक सौ छत्तीस सेकेंड अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया एक सौ सैतीस एक सौ उन्तीस से एक सौ अड़तीस तक चला गया है ये लीजिए साहब ये लीजिए साहब और क्या चाहिए बहुत ही जबरदस्त एक सौ उनतीस से सीधा एक सौ सैतालीस तक गया है पॉइंट का मूवमेंट एट पॉइंट डन पॉइंट डन, मजे 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 ही मजे। बाहरी मतों के साथ चुनाव जीता अपना कॉल भाई कॉल भाई चुनाव जीता क्लोजिंग दिया लेवल लगा दिया था लेवल लगाने के बाद वेट कर रहे थे रिस्क लिया एक सौ उन्तीस से सीधा एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक पहुंचा है परफेक्ट ट्रेड ट्वेल्व डन टीस पॉइंट डन बहुत ही बढ़िया मिस किया है गलती कर दी साहब देखो इतना बढ़िया मोमेंटम आया था यहां पे इतना बढ़िया मोमेंटम आया तो क्लियर था कि हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम बनेगा बहुत ही बढ़िया पूरा टारगेट तक गया है 25 पॉइंट बो ट्रेड प्रॉफिटेबल वेरी गुड चलिए कॉल भाई ने भारी मतों से विजयी हुए बहुत ही बेहतरीन दिल खुश कर दिया कॉल ने पिटाई हुई उसकी बट अल्टीमेटली बैंक निफ्टी ने साथ दिया और निफ्टी ने हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया और हाई के आसपास अभी आ गया है यहाँ पे संघर्ष कर रहा है थोड़ा यहाँ पे रुकेगा लेट्स सी वेट कराएंगे इसको आराम से अभी फोमो होगा फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं फंसना थोड़ा इसको एक आ, थोड़ा पॉज ले ले अगर थोड़ा हल्का सा पॉज होने के बाद निकले तो बेटर रहेगा आईटी ने भी सपोर्ट किया बहुत ही बढ़िया ओके सा बढ़िया ट्वेंटी वन पॉइंट कैप्चर्ड वेरी गुड मजा आ गया जयश्री बहदरी बहुत बढ़िया उन्नीस पॉइंट छब्बीस इंटू तीन पॉइंट चार हजार बहुत बढ़िया मजा आ गया ठीक है पंद्रह पॉइंट बुक जावेद अहमद बहुत ही शानदार साहब जी को शादी में इज्जत नहीं मिल रही है मिल गई अब तो जबरदस्त तरीके से इक्कीस पॉइंट क्या बात है पॉइंट्स की बारिश हो गई है यहाँ पे जबरदस्त पॉइंट की बारिश भाई इतनी बड़ी अच्छी शानदार कैंडल बनी है देखो किस किस मार्जिन के साथ ये चुनाव जीता है जनपद का हमारा दोस्त हमने जिताया इसको यहाँ पे पीटा, पीट पीटा है फिर इसने फिर से दोबारा से अपना उठा यहाँ पे उसको रिजेक्ट किया गया लोगों ने स्पष्ट किया लोग बोला कि इससे नहीं हो पाएगा ये कुछ काम का आदमी नहीं है नालायक है इसको बुरा बुरा, बुरा बोला लेकिन अल्टीमेटली ये चुनाव जीता इसने बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी और यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद हमने यहाँ पे हाई पे यहाँ पे थोड़ा अटका ये लेवल ड्रॉ किया था और जैसे ही लेवल क्रॉस किया एक से सीधा टारगेट एक 40, जो हाई था वहां तक पहुंचा बहुत ही शानदार जमीनी स्तर का नेता है ये आठ पॉइंट मिल गया चाचा ने तो वाह क्या बात है भाई जितना मिला उतने में खुश रहो वो निकल रहा है दोबारा से चलिए बढ़िया साहब बैंक निफ्टी थोड़ा यहां पे दिक्कत कर रहा है आई के आसपास आके ऊपर रेजिस्टेंस ओके मार्केट क्लोज प्लस एनीम बहुत बढ़िया एक बहुत ही बड़े सूखे के बाद पहली और दूसरी तारीख पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड अप्रैल को कुछ भी नहीं हो पाया साइडवेज मार्केट बट आज मार्केट जो है जबरदस्त तरीके से माहौल बनाता हुआ दिख रहा है स्ट्राइक चल गया है कॉल ऑप्शन जिंदाबाद है और जबरदस्त तरीके का मूवमेंट निफ्टी लॉट चेंज हुआ है नहीं सर मे में से होगा अप्रैल मंथ में नहीं होगा सेकेंड मे की एक्सपायरी के लिए स्टार्ट हो जाएगा पुट ऑप्शन बहुत ही एटीट्यूड में था मॉर्निंग में उसको बुरी तरह से गिरा दिया एक तरीके से उसका हाल बेहाल कर दिया कॉल ऑप्शन वाली पार्टी ने कॉल बी लाइक हिला डाला ना बिल्कुल सभी लोग भाई लोग सब लोग लाइक बटन पे क्लिक करो लाइक क्यों नहीं हो रहे बढ़िया ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे सब बढ़िया चंगा सी है सब लोग लाइक बटन पे क्लिक करो बाकी जिस जैसे नहीं किया है वो भी करो क्यों नहीं कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ थ्री सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करेंगे ग्लिच लाना है यूट्यूब पे सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करो ऑन अकाउंट ऑफ थ्री वन टू थ्री प्लीज हिट द लाइक बटन सब लोग लाइक बटन पर क्लिक करें चार लाइक तो एटलीस्ट होने चाहिए आज इतना बढ़िया ट्रेडिंग हुए। पुट में हमने ट्रेड लिया, कॉल में जबरदस्त ट्रेड लिया फुल साइकोलॉजी के साथ टारगेट बेस्ड ट्रेड ठीक है इसके बाद अभी दोबारा से बैठे हुए हैं आगे भी हम परफॉर्म करेंगे बट सभी लोगों को एक बार लाइक करना चाहिए अनलाइक हो जाएगा नहीं साहब अनलाइक नहीं करना है <laughs> दो दिन का सूखा खत्म हुआ है सैतालीस पॉइंट बोट क्या बात है नीलेष बहुत ही बढ़िया थ्री थाउजेंड लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू रविंद्र जी दोबारा से तेजी पकड़ता हुआ कॉल लेट्स सी ओके okay, यहाँ पे हाई निकाले बैंक निफ्टी सां दे रहा है देखो इतने बड़े चलने के बाद ना थोड़ा रिस्क तो हो जाती है है ना तो इसलिए केयरफुल रहना बहुत ज्यादा केयरफुल रह के काम करना क्विक स्केल्प मोड में ही काम करना है ना क्योंकि धोखा हो सकता है यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर हाई क्रॉस नहीं किया और पलट गया यहाँ पे शुरुआत में जितने पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके बाद थोड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं एक तरीके से कटौती होने लगती है पॉइंट्स की बैंक निफ्टी निकल गया है बैंक निफ्टी फट गया है निफ्टी भी फटने की तैयारी में है चलिए साहब माहौल बन रहा है निकालेगा कि नहीं निकालेगा जस्ट आ तो गया है लेवल के पास बैंक निफ्टी में तो हो गया काम खत्म निफ्टी थोड़ा यहाँ पे दिक्कत पेश कर रहा है बैंक निफ्टी हाई के आसपास आ चुका है और निफ्टी में थोड़ा सा बस बचा हुआ है लेवल हम्म गुड नाइट फ्रॉम कनाडा हेलो साहब गुड नाइट सिक्सटी पॉइंट बुक एंड बैंक निफ्टी वेरी गुड बैंक निफ्टी बढ़िया चल गया यहाँ पे बैंक निफ्टी ये ये पॉइंट जो था ना बैंक निफ्टी का बहुत ही बढ़िया था एसडीएफसी डी एफ सी ने चलाया है ओके दोबारा से अटेंड मारने की कोशिश लेट्स सी क्या नीचे से क्या जबरदस्त होता है कॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है दोबारा से लेट्स सी जिस जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया है प्लीज ध्यान रहे बचा के चलना सेवेंटी परसेंट प्रॉफिट को बचा के रखना थर्टी परसेंट को ही स्टेक पर लगाना अगले ट्रेड में पुरखों ने डांट लगाई हां साहब ऐसा ही लग रहा है क्या नाक कटा रहे हो ऑल टाइम हाई बनवाएगा लेट्स सी देखते हैं हंड्रेड पॉइंट कैप्चर इन बैंक निफ्टी वेरी गुड चलिए थोड़ा गया मार्केट इट इज गुड साइन ऊपर जाके थोड़ा साइडवेज रहेगा तो बेटर है क्योंकि सीधा सीधा ऊपर जाता है तो ट्रैपिंग ज्यादा होने लगती है तो इसको थोड़ा साइडवेज रहे तो अच्छी बात है बैंक निफ्टी भी हाई के आसपास आके थोड़ा रुक गया है बाकी किस किस का काम खत्म हो गया है बोला दुकान बंद करने का समय किस किस का आ गया है कौन है जो जिसने प्रॉफिट बुक करके अब बोला कि अब चलो काम खत्म राम सुता जी बोल रहे हैं दुकान बंद ओके बिजबिस की गड्डी डन 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 क्या बात है मेरा अभी क्लोज विथ टेन पॉइंट बढ़िया बढ़िया क्या है जनरली होता क्या है साथ में देखो पहला ट्रेड तो अपना हो गया पुट में आराम से छोटा शुरुआत हो गई ग्रीन शुरुआत सेकेंड ट्रेड अपना बहुत ही धमाकेदार था इसमें मतलब पंद्रह बीस पॉइंट आराम से मिले ठीक है फिर ये जो ट्रेड थे ना ये बने जरूर बट यहाँ पे अपने को रिस्क बहुत कंट्रोल करके चलना था है ना अगर टू निकल गए तो ठीक है बट लॉस ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है कि से तो लेके चलने चलना है तो अगर आपने यहाँ पे भी अगर हैवी रिस्क लिया होगा तो वो दिक्कत वाला काम है बट कम रिस्क लेके और तुरंत छोटे मोटे पॉइंट बुक करके निकल भी गए तो भी बढ़िया है तो हमारा मेन फोकस इज हंड्रेड परसेंट ट्रेड प्रॉफिटेबल रहना नहीं है नेट टू नेट बेसिस प्रॉफिटेबल रहना है हमारा एक ट्रेड जो बहुत ही अच्छा चला गया है ना

मनी मैनेजमेंट पुअर था इनका रितेश भाई आपके पास सत्रह लालच नहीं करना था उस पॉइंट पे आपको क्वांटिटी कम करके काम करना चाहिए था या आपको सत्रह पॉइंट कमा लिए थे तो आपको सोच के चलना था कि मुझे उसमें से बारह पॉइंट तो बचा के जाऊंगा ही जाऊंगा पांच पॉइंट की रिस्क लेनी थी अगर पांच पॉइंट की रिस्क ज्यादा लग रही थी तो स्टॉप लॉस तो छोटा लग रहा है तो क्वांटिटी आधी करके वो दस पॉइंट की रिस्क हो जाती है आपकी तो आप बहुत आराम से बारह तेरह पॉइंट लेके जा सकते थे बट अल्टीमेटली आपने लालच के चक्कर में गवा दिया है तो प्लीज कंट्रोल करो दोस्त है ना यहाँ पे हर चीज शॉर्ट शॉर्ट नहीं है आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा पूरा मजे ही मजे हैं। यहाँ पे आपको पैसा बचा के चलना पड़ेगा हस्तर को जो भूला उसको हस्तर अपने जैसा बना लेगा लॉस कर देगा लाल कर देगा तो हस्तर को नहीं भूलना प्रॉफिट बनाने के बाद लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि अब तो हर ट्रेड में प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं भाई जितनी बारीकी आपने पहली ट्रेड में की है उतनी ही बारीकी हर ट्रेड में आपको बारीकी करनी है हर ट्रेड में आपको ऐसा मान के चलना है कि भाई इसमें लॉस होगा ही होगा मुझे अपना पैसा बचा के चलना है अगर आपने उसको कैजुअली लिया तो फिर आपके साथ हादसा हो जाएगा हस्तर आपको नहीं छोड़ेगा इसलिए हर पॉइंट पे चौकन्ना होना पड़ेगा अन्ना होना पड़ेगा अन्ना चौबीस घंटा चौकन्ना बिल्कुल कैजुअल नहीं होना है निगम शंतर नम फाइव पॉइंट बुक्ड इन फर्स्ट ट्रेड पी फाइव पॉइंट बुक इन सेकेंड ट्रेड टेन पॉइंट बुक्ड बहुत ही बढ़िया लाला माइंडसेट से खेलो अभी ये देखो दोबारा से धोखा देने की कोशिश कर रहा है ये निकालने की कोशिश कर रहा है स्पेस थोड़ा कमी है बहुत ही कम स्पेस है तो बहुत ही छोटा टारगेट रहेगा बहुत ही छोटा तो मेरे हिसाब से तो छोड़ दो तो बेटर है है ना यहाँ पे ये यह ऊपर जाएगा यहीं तो यहाँ पे रुकेगा ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा यहाँ पे ऊपर जाके तो स्पेस बहुत ही कम है तो ये यह यहाँ पे फंसाने का काम कर सकता है तो मेरे हिसाब से तो इसको छोड़ दो रेड फ्लैग है गया ऊपर देखो पलट गया है एक से लेके एक तक गया है दो तीन पॉइंट ज्यादा इसमें नहीं मिलते आपको जस्ट हाई के पास आ चुका है ये निफ्टी हाई के पास आ चुका है और यहाँ पे ये यहाँ पे रुकने लगा है देखो देखो आपने देखा यहाँ पे हादसा हो गया ना जिस जिसने दो तीन पॉइंट बुक कर लिए कर लिए नहीं तो वहां की जो फंसा है वो फंसा है बेचारा तो स्पेस वगैरह भी देखा करो है ना टू पॉइंट बुक ठीक है बढ़िया राहुल काम करना था आप अलर्ट होके काम करते तो आराम से तीन चार पॉइंट मिल भी जाते हैं यहाँ पे बट पता था ना कि भाई स्पेस कम है तो आप इसको आप ठाकुर की तरह नहीं बैठ सकते हो कि यार ले लिया आप तो ऊपर जाएगा टारगेट के पास ऐसे माइंडसेट से नहीं जा सकते ना? अपने पहले ही बोल दिया कि हैं देखिए ऊपर से नीचे आ गया स्पेस कम था यहाँ पे देखो कारण क्या है निफ्टी रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है बहुत ही कम स्पेस था प्रॉफिट दुकान बंद करूं। कर दो बंद दुकान बंद करो अभी हो गया है निफ्टी हाई के पास आ चुका है है ना निफ्टी हाई के पास आ चुका है इसमें फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा मुश्किल है थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेकआउट होने में क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है टोटल वन ट्वेंटी पॉइंट बुक बहुत ही बढ़िया बैंक निफ्टी थर्टी पॉइंट डन बहुत ही बढ़िया रेड फ्लैग क्या है रेड फ्लैग था कि स्पेस कम है ऊपर स्पेस कम है ये अपने आपने एक रेड फ्लैग है रेड फ्लैग मतलब लाल झंडी रुक जाओ सतर्क हो जाओ हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ये बहुत एफर्टिंग वाला काम है बहुत एफर्ट लगेंगे यहाँ पे इसको ब्रेक करने में बहुत मुश्किल का काम लग रहा है ये ये हाई ब्रेक करना मतलब बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम है सो so, यहाँ पे थोड़ा बच के रहे तो बेटर है है ना इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा ये क्योंकि इतना चलने के बाद इतना चलने के बाद इतना हिम्मत नहीं होती है कि इसको भी ब्रेक कर दे लेवल को भी ब्रेक कर दे है ना तो थोड़ा केयरफुल रह के काम करना यहाँ पे Advocate Gaurav, 2 trace, 29 points. Very good. संघर्ष चल रहा है लेवल के पास यहाँ पे भी देखो संघर्ष चल रहा है अब ये लेवल कौन सा था ये लेवल हमारा था पिछले दिन का पांच मिनट कैंडल का हाई और क्लोजिंग के आसपास भी वही था लेवल तो ये इंपॉर्टेंट लेवल देखा आपने पांच मिनट कैंडल के किस तरीके से काम करती है पहली पांच मिनट कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल होती है जिसके आप बहुत ज्यादा जानकारी मिल सकती है उसके उसके हाई लो को बिल्कुल मार्क कर लिया करो देखो पिछले दिन की पहली पांच मिनट कैंडल के आसपास कल मार्केट रुका और आज हाई भी वहां पे जाकर रुक गया है तो ये अपने आप में ये बचा लेता है ये लेवल जो होते हैं ये बचाने का काम करते हैं ये स्पेस वगैरह देखने में काम करते हैं कि भाई रुक जाओ अब हो गया है बहुत थक गया है अब थोड़ा समझ जाओ ज्यादा लालच मत करो कैरिड अवे मत हो जाओ ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया है तो इसलिए थोड़ा जरूरी होते हैं रेड फ्लैग्स

अब थोड़ा समय लग सकता है मार्केट अब जो है शीप मार्केट में जाएगा थोड़ा साइडवेज रहेगा मार्केट है ना अब थोड़ा साइडवेज रहने का समय आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी हाई टच कर गया है तो यहाँ पे थोड़ा अभी बियर्स आएंगे प्रेशर मारेंगे थोड़ा नीचे जाएगा बुल आएंगे थोड़ा तो ये थोड़ा साइडवेज रहने का हो सकता है यहाँ पे है ना तो हो सकता है अब कुछ देर तक हम को टाइम पास करना पड़े थोड़ा पिक्चर वगैरह की बातें कर ली जाए एक्शन आज अच्छा एक्शन चल गया भाई मजा आ गया लेकिन आज किस किस को मजा आ गया आज कुछ भी हो प्रॉफिट हो चलो प्रॉफिट हो लॉस हो कोई भी हो आप एंट्री रूल मास्टर करोगे तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा बट मजा तो आया ना एटलीस्ट किस तरीके से हमने इसको चुनाव जता के इतना ऊपर तक पहुंचाया ऊंचाई हुं, तक आज विधायक बना बैठा है तो मजा तो बहुत आ गया आज बढ़िया साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए साहब देखो आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं होता है सेटअप पे अगर आपकी साइकोलॉजी सही बैठ रही है थोड़ा भी इंप्रूवमेंट अगर आपको हो रहा है पेशेंस लेवल आपका ठीक हो रहा है आप कंजर्वेटिवली काम करना चालू कर रहे हो तो फिर चीजें आपके बेनिफिट में धीरे देर धीरे करके आएंगी यहाँ पे बहुत हमने बहुत संघर्ष कर लिया यहां पे लेकिन अल्टीमेटली पूरी जर्नी को देखें तो बहुत ही मजेदार थी सुबह भी हम लोगों ने एक फोटो में छोटा सा ट्रेड लिया फिर पुट को पूरी तरह से अपने निगलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कॉल में एक जबरदस्त तरीके से अपने एक नए नेता को नए छोकरे को के उसको नेता बना दिया अपने विधायक बना दिया मजा आ गया अब ये आगे जाके कहा मंत्री बनेगा सीएम बनेगा कुछ बनेगा कि नहीं उसका पता नहीं बनेगा तो हम उसके साथ रहेंगे बट इतना सफर बहुत बढ़िया रहा रवि वर्मा जी कोई बात नहीं मिस हो गया है कोई बात नहीं लर्निंग तो आपके साथ है ट्रेड के पीछे मत भागो आफ्टर लेविंग गो टू साइलेंट मोड वीडियो ऑफ स्पीक ओनली वेन देयर इज अपडेट आंसर ओनली देव सिंह जी उसका सोल्यूशन है साहब मेरे पास चलिए साहब मार्केट देखो मूवमेंट करने की दोबारा से कोशिश कर रहा है बट लेट सी मेरा मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है क्या करूं सब रूल्स बताया मैंने आपको थोड़ा जयंत जी राम राम भाई राम राम ब्रह्म योगम देखी क्या नहीं साहब नहीं देखी अभी निफ्टी बोल रहा है मेरे को लग रहा है बाईस थ्री एटी नाइन पर रिट्रेस करूंगा प्रीवियस डे पांच मिनट हाई लो मार्क करने का लॉजिक क्या है लॉजिक बहुत ही क्लियर है साहब पांच मिनट शुरू के पांच मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पे बहुत हैवी ट्रेडिंग होती है क्योंकि वो नई दिशा निर्धारित करने का समय होता है तो उस टाइम पे जो हाई लोज बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं शिवानी शर्मा नहीं साहब क्यों प्रेविटरिज्म के चार्जेस क्यों लग रहे हैं साहब बताइए हिम्मत सिंह थैंक यू सर थैंक यू साहब मेरा मनी आग... क्या बोल रहे हैं भावना जी जब से आपकी कमेंट स्टार्ट की है तब से कोई भी चैनल देखना बंद कर दिया है थैंक यू साहब थैंक यू अभी मार्केट थोड़ा ड्राई रहेगा मार्केट साइडवेज रहेगा और देखते हैं कब तक ये साइडवेज रहेगा लेवल फिर से ब्रेक होते हैं या पुट का उदय होता है हम साथ में पूरी जर्नी देखेंगे कहीं पुट में अगर उदय होना स्टार्ट होगा तो हम उसमें भी लेवल्स वगैरह मार्क करेंगे इसमें मोमेंटम अगर आएगा तो डेफिनेटली इसको भी देखेंगे देखते हैं मार्केट जो है मार्केट क्या करेगा मार्केट जो करेगा हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे हम किसी एक पार्टी के नेता नहीं है हम व्यापारी हैं हर पार्टी अपनी है जैसी जैसी हवा चलेगी उस डायरेक्शन में हम भी जाएंगे सोया फोमानी जी हेलो साहब थैंक यू ट्रेडा अल्फा भाई जब तक आप होते हो तब तो तक कमाता हूँ ग्यारह के बाद वापस चला जाता है पैसा। तो भाई ग्यारह तक ही ट्रेडिंग करो यार अगर कमाई हो रही है ग्यारह तक तो फिर ग्यारह ही तक रखो ना फिर बाकी आराम करो घूमो फिरो गाड़ी लेके निकल जाओ क्या करना पैसा बना लिया और क्या फिर लगे रहोगे क्या सौ बावन सी सौ सत्यावन गुड 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 ग्यारह के बाद बंद हो जाता हूं, सो जाता हूं। <laughs> मेरा मनी नहीं बचा ओवर ट्रेडिंग से क्या करूं कुछ देर तक पॉज लीजिए साहब कुछ दिन तक पॉज लेना पड़ेगा आपको ओवर ट्रेडिंग का इलाज थोड़ा ब्रेक ले निफ्टी बी लाइक मैं गिरा हूं बंदा नचबलिए मंथली थर्टी पॉइंट के टारगेट के अगेंस्ट तीन दिन में अठारह पॉइंट बुक कर लिए बहुत ही बढ़िया ररवी जी

चलिए साहब क्या हो रहा है निफ्टी में देखो हाई पे जाके यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है तो जैसा कि मैंने बोला कि ड्राई स्टेज चालू हो गया है शीप मार्केट चालू हो चुका है तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे कुछ देर तक पॉज लेगा पॉज लेगा तो ये इसको लेने दो आराम आराम से ऊपर नीचे होने दो है ना हमको अभी कुछ नहीं करना है हम अभी बैक टू जीरो आ चुके हैं बैक टू जीरो अब क्या करेंगे पहला स्टेप बताओ सभी लोग प्रथम पूछे कौन है अब क्या करना है हम आ गए हैं बैक टू जीरो अब सब चीजें जितना भी करा धरा था सब खत्म है अब नई शुरुआत करनी है तो अब क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा पहले क्या करेंगे बिल्कुल बिजबिज की गड्डी ने बोल दिया है मोमेंटम संजय विश्वकर्मा जी ने बोल दिया मोमेंटम मोमेंटम का वेट करेंगे तीन रूल का वेट करना पड़ेगा बिल्कुल मयू मयूर व्यास सही बोल रहे हैं क्रिप्टो भाई सही बोल रहे हैं राकेश सही बोल रहे हैं मोमेंटम का वेट करेंगे सभी लोग बैठ के बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम बढ़ने जाके देखो वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई हो गया है ना सही बात है वॉल्यूम पूरी तरह से अब ड्राई हो चुका है यहां पर भी ड्राई है यहां पे भी ड्राई है कैंडल्स बनने रही है तो अभी हम वेट करेंगे मोमेंटम का बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनने दो ये वॉल्यूम बढ़ने दो लेवल ब्रेक होने देते हैं लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे किस तरीके से ऊपर जाएगा इस बात से क्लियर हो जाएगा कि ऊपर लेना है कि नहीं लेना ठीक है तो अभी बैक टू जीरो है हम लोग है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बिल्कुल बन रहा है लेट्स सी और बताएं क्या हाल चाल ये करी ना काम की बात है बोल रहे हैं और बताएं क्या हाल चाल हम्म <laughs> ट्रेडिंग नॉलेज फर्स्ट स्टेप कहां से लें आप इंस्टा मास्टर क्लास देखिए साहब मेरी बनाई गई इंस्टा मास्टर क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे इंजल वन की यूट्यूब चैनल पे है उसमें सत्तर पचहत्तर वीडियो हो चुके हैं प्लीज उसको वॉच करें आपके क्लियर हो जाएंगे गुरुजी गुजरात आए हो हाँ जी आया हुआ हूं ग्यारह तक पंद्रह बीस पॉइंट मिल जाते हैं फिर साइडवेज हो जाता है मार्केट हाँ साहब तो ग्यारह तक ही ट्रेड करो ओके लाइक 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 करो भाई सभी लोग यूट्यूब हिलाने का काम करें एक बार चलो यूट्यूब हिला देते हैं यूट्यूब हिलाने का काम करते हैं सभी लोग एक बार ऑन अकाउंट ऑफ थ्री लाइक बटन पे क्लिक करो चार हजार लाइक का टारगेट पूरा करो आठ सौ लोग, लो, लोग जो आठ सौ लोग हैं जिन्होंने लाइक like नहीं किया है लाइक like बटन पे क्लिक करो दोस्त ऑन अकाउंट ऑफ वन टू थ्री प्लीज हट द लाइक बटन सभी लोग हर टू वर्ड कनेक्शन होना चाहिए आपने वहां से लाइक like किया मैंने यहां पर लाइक like पढ़ा मजा आ गया <laughs> कर दिया है धन्यवाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद एक लाइक ही तो मांगता हूं मैं और क्या चाहिए वो भी एक मोटिवेशन के लिए कि चलो भाई जनता अपने साथ है भाई लोग अपने साथ हैं लेनी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन क्या बात है न, बिल्कुल स्क्रीनर बताओ खाली लाइक मतलब भाई स्क्रीनर स्क्रीनर अभी कहाँ का स्क्रीनर देखना है आपको साहब मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे सर आपने निफ्टी का लॉस साइज क्यों चेंज किया नहीं सर मैंने नहीं किया है एनएसई ने किया है एनएसई ने निफ्टी का लॉस साइज चेंज किया है ब्रोकर का इससे कोई लेना देना नहीं रहता एनएसई जो एक्सचेंज है वो करता है ये सब ग्यारह बजे तक साइडवेज हो सकता है ग्यारह बजे तक साइडवेज रहे या फिर बीच में भी पुट का उदय हो लेट्स ही देखते हैं जो भी होगा हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एन एस सी रिटेलर्स को लूटने का नहीं साहब वो लॉट साइज कम करना ठीक रहता है क्योंकि ज्यादा वो नोशनल वैल्यू ज्यादा हो जाती है निफ्टी बढ़ गया ना बहुत जब निफ्टी दस हजार पे था तब भी लॉट साइज क्या कहते हैं निफ्टी का पचास पंद्रह हजार पचास ना तो बीस हजार हो गया है तो फिर लॉट साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होती है उसको मेनटेन करना पड़ता है मतलब जनरली क्या होता है पांच लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ठीक रहती है है ना लॉजिक क्या होता है लॉट चेंज करने का आप लोग समझ लीजिए देखो कई लोग यहाँ पे गुमराह करते हैं है ना लॉजिक क्या होता है निफ्टी का एन का है कि भाई पांच लाख का कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए फाइव लाख का ठीक है पांच से छह लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ठीक रहती है अब क्या हुआ यहाँ पे जब निफ्टी दस हजार था ठीक है तब निफ्टी का कभी लॉट पचहत्तर भी हुआ करता था ठीक है तो ये साढ़े सात लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया था साढ़े सात तो ये क्रॉस करने के बाद दस लाख के आसपास पहुंच गई नौ सौ पचहत्तर के आसपास लॉट साइज कम किया जाए तो पचास किया लॉट साइज तो फिर पंद्रह इंटू पचास करो तो फिर ये लॉट साइज फिर से साढ़े सात पे आ गई है ना तो ऐसे ऐसे करके अब ये अब हो गया है निफ्टी क्या बाईस हजार पे आ गया है बाईस हजार इंटू पचास करो तो 22 इंटू पचास करेंगे तो लगभग 10 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पड़ रही है तो इसको फिर से दोबारा से थोड़ा अफोर्डेबल लाने के लिए 5 लाख पे करना है तो इसीलिए 50 या 25 पे करना पड़ रहा है तो बेसिकली टारगेट यही रहता है कि 5 से साढ़े सात लाख के बीच में छह साढ़े छह सात लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहे तो बेटर रहता है तो वही ऑब्जेक्टिव के साथ निफ्टी बयानसी भी काम करता है क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्यों मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि उसको हेजिंग के लिए यूज किया जाता है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पांच लाख रहती है तो अफोर्डेबल रहती है के लिए हेजिंग हेजिंग जो करते हैं अब दस लाख हो गई तो पोर्टफोलियो वैल्यू दस लाख बहुत रेयर रह लोगों की रहती है पांच लाख तक लोगों का पोर्टफोलियो जनरली होता है इसीलिए पांच साढ़े पांच सात लाख तक कॉन्ट्रैक्ट को रखना पड़ता है तो इसमें कोई चाल नहीं होती है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को मैनेज करने का काम है ब्रोकरेज नहीं बढ़ता कुछ नहीं बढ़ता ना चार्जेस बढ़ते ना ब्रोकरेज बढ़ते कुछ नहीं बढ़ते जनरल ब्रोकरेज ऑर्डर वैल्यू पे लगती है पर ऑर्डर पे लगती है तो आप कितने भी लॉट लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना नो डिसएडवांटेज फॉर रिटेलर्स कोई डिसएडवांटेज नहीं है यार देखो जिसको पचास क्वांटिटी से ट्रेड करना है वो एक लॉट ले ले या दो लॉट ले ले अभी अपने को आदत लग गई पचास क्वांटिटी से ट्रेड करने की तो अपन लोग दो लॉट से ही काम करेंगे ना आगे जाके तो दो लॉट भी लोगे तो चार्जेस तो सेम ही होंगे ना सेम क्वान मतलब पचास इंटू बाईस हजार करोगे कॉन्ट्रैक्ट पर सेम ट्रांजेक्शन चार्ज सेम ब्रोकर सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम कर दिया गया है क्योंकि कई लोगों का पोर्टफोलियो पांच साढ़े पाँच सात लाख तक का रहता है जो लोगों का उन लोगों को अगर हेजिंग करनी होती है उनको कभी पुट ऑप्शन वगैरह बाय करके रहना पड़ता है तो उन लोगों को एटलीस्ट हेजिंग में सहूलियत हो जाए क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दस ग्यारह लाख में पहुंच जाएगी तो पाँच साढ़े पांच लाख वालों को ओवर हेजिंग हो जाएगी वो एक लॉजिक रहता है तो दैट्स द रीजन बाकी और कोई अलग रीजन नहीं होता है तो चलो यहाँ पे एक तरीके से कॉल में फॉल आ गया है कॉल में फॉल आ गया है कॉल खत्म है यहां पे देखो रेजिस्टेंस के पास जाके पलटी मार रहा है अभी क्या करें पुट में कुछ हो रहा है क्या पुट में कुछ भी नहीं हो रहा है ये वॉल्यूम आ रहा है थोड़ा थोड़ा बट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स अभी नहीं बन रही हैं फिलहाल और इसको अपन इलेक्शन लड़वाएंगे ठीक है यहां यहाँ पे चुनाव लड़वाते हैं आने दो इसको यहां पे अभी निफ्टी जो है अगर चालीस हजार हो जाएगा निफ्टी अगर चालीस हजार हो जाएगा तो आप बोलोगे पच्चीस का पच्चीस ही रखें, ऐसा नहीं कर सकते हैं चालीस अगर निफ्टी हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी आई थिंक दस लाख के आसपास पहुंच जाएगी तो फिर इसको कम करना पड़ेगा इसको फिर पच्चीस से कहो फिर पंद्रह पे करना पड़ेगा इसको है ना तो वो चेंज करना पड़ता है ओके okay, बढ़िया बढ़िया लाइक करते चलो बिल्कुल लाइक करते चलो कोई बात नहीं 500 लाइक और दो चार यहाँ लाइक पूरा करते हैं फटाफट यू लुक लाइक like मधु शर्मा कौन है मधु शर्मा हम्म थैंक यू फॉर गिविंग बिहाइंड द सीन इन फो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब लॉट लॉट होता है जो ना, 50 है ना पचास क्वॉंटिटी का लॉट है जैसे और निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है बाईस हजार तो बाईस हजार इंटू पचास करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के है तो व्हेन यू आर बाइंग वन लॉट ऑफ निफ्टी आप का जो स्टेक है वो बाईस लाख इंटू मतलब कितना हो गया जीरो 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 पांच दस जीरो एक, पांच दस तो ग्यारह ग्यारह लाख मतलब आपने एक तरीके से एक लॉट लिया है तो आप एक्सपोजर कितना है ग्यारह लाख का एक्सपोजर है आपको है ना अभी एक्सपोजर ज्यादा हो गया है तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा लॉट कम करना पड़ेगा अभी जैसे किसी का पोर्टफोलियो पांच लाख का है ठीक है अब उसको अगर हैज करना है तो अगर वो निफ्टी का एक लॉट ले लेगा तो उसको एक तरीके से हैजिंग हो रही है ग्यारह लाख से है ना बट हुई है उसका पांच तो आधा लॉट कैसे लेगा वो तो उसके लिए अफोर्डेबल करना पड़ेगा ना कई लोगों का मेजोरिटी लोगों का पोर्टफोलियो पांच दस लाख से ज्यादा नहीं रहता है पांच लाख से ज्यादा नहीं बहुत मेजोरिटी मतलब अगर आप प्रमेट देखेंगे तो कई लोगों का पांच तीन चार पांच लाख का पोर्टफोलियो रहता है तो उनके लिए हैजिंग अगर करनी है उनको तो क्या करें वो तो अफोर्डेबल करने के लिए इसको आधा करना पड़ेगा निफ्टी को तो आधा कर नहीं सकते हो आपकी भाई बाईस से आधा कब से निफ्टी ग्यारह हजार लोग शौक हो जाएंगे एकदम से तो क्या करे लॉट ही कम कर पाओगे ना लॉट तो पच्चीस कर दिया तो पच्चीस इंटू बाईस कर दिया तो ये साढ़े पांच लाख पे आ गए अपन अब इस अफोर्डेबल हो गया वॉल्युडिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी वॉल्युडिटी उतना ही पड़ेगा ना थैंक यू सुदेव भाई सुदेव भाई धन्यवाद और सभी लोग लाइक करो चार हजार लाइक का टारगेट पूरा करो जो जो शोभा बैठा हुआ है लाइक मार मारिए <laughs> चलिए साहब सौरभ गांगुली जैसे दिखते हैं दादा बोलूंगा हाँ जी साहब थैंक यू नो मोर कॉल साइड हाँ जी कॉल का चार्ट बिगड़ गया अभी पुट भाई जल्दी करो पनवेल निकलना है पुट भाई अभी सो रहे हैं अभी मत जगाओ उनको अब यहां पे देखो लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है तो लो। लो पुट, पुट, पुट तो चार्ट देखो आप ये क्या है कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। ना तो हम लोगों का जो सिंपल सेटअप है ना मोमेंटम बेस्ड सेटअप हम लोग ये जो एक तरीके से ये कचरा है यहाँ पे इस टाइप की ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं यहाँ पे देखो फंसने का काम हो रहा है ये कैंडल देख के कई लोग यहाँ पे पुट पुट वाले हो गए होंगे कि यार अब यहाँ पे रिवर्सल आएगा बड़ी रेड कैंडल आ गई है नेकलैंड देख और दुनिया भर के पैटर्न बता देंगे और बोलेंगे सेलिंग करेंगे बट पुट ऑप्शन में एंट्री पुट ऑप्शन के हाल देखो पुट ऑप्शन में कुछ नहीं हो रहा है कोई मोटिवेशन नहीं है लुस्त पुस्त पड़ा हुआ है इस टाइप की ट्रेड नहीं करना हम हमको करने हैं बिल्कुल ये वाले ट्रेड्स बिल्कुल निकल के फटने वाले ट्रेड्स ऐसे ट्रेडिंग मजा आती है इस टाइप का जो ट्रेडिंग होती है ये इसमें कोई मजा नहीं है तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है बट मजा आता है वेट करने के बाद ही मजा आता है सर लाइक कम हो रहे हैं हां जी साहब लाइक कम हो रहे हैं आप ही लोगों की मेहरबानी है लाइक कम हो रहे हैं मैं दो दिन का तो समझता हूं पहली और दूसरी तारीख में लाइक कम क्यों हो रहा था क्योंकि कोई ट्रेड नहीं था मार्केट साइड था आज तो धमाकेदार हुए हैं स्लो मोड ऑन करो सर ये क्या होता है चार के लाइक चाहिए आज तो बिल्कुल मेरा आंसर क्यों नहीं देते सोनू सिंह आपने सवाल पूछे साहब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये होता है साहब एक का पैटर्न होता है ये देखो इस तरीके से दिखता है ये आपको हेड ये शोल्डर दिखा ये इसके ऊपर निकल गया शोल्डर के ऊपर ये हो गया हेड और फिर दोबारा से एक और शोल्डर आ गया तो ये एक तरीके से रिवर्सल पैटर्न होता है कि भाई एक बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का दूसरी बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का बट इसको ब्रेक करके अब तीसरी बार फिर गिर गया फिर तीसरी बार इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया तो ये शोल्डर बन गया तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है पैटर्न होता है

डन फॉर द डे क्लोज स्क्रीन ट्वेंटी सेवन पॉइंट क्या बात चार लॉट बहुत ही बढ़िया चौवन सो रुपए लेके जा रहे हो बहुत बढ़िया ओके okay, चलिए साहब बहुत बहुत बढ़िया सिक्स पॉइंट इन फर्स्ट ट्रेड 130 वाला मिस हुआ फिर सेकंड ट्रेड ढाई पॉइंट बहुत ही बढ़िया साढ़े आठ पॉइंट मिल गए हैं? बहुत है अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहना है कमेंट मैसेज पढ़ने में हेल्प होती है अच्छा स्लो मोड ओके कमेंट्स में स्लो मोड होता है ओके okay, ओके okay. अच्छा ठीक है मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ इस चीज को Uh, मैं एक बंद कर दूंगा ग्यारह बजे कुछ बचा के जाना है तो हाँ जी बंद कर दीजिए लप्पू विजय क्या बोल रहे साहब आप एंजल में कुछ पोस्ट पे है बताइए अरे साहब हम्म पी एन सी लेवल ब्रेकआउट क्या है ये लेवल्स आपके सामने साहब पी में अपन ने अभी तिहत्तर का लेवल लगा दिया है यहाँ पे इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर देखेंगे वी एफ क्यूबर वगैरह निकलेगा तो देखते हैं इसको बाकी कॉल में ये लेवल है बट मुश्किल लग रहा है कि आज मार्केट लगता है कि साइडवेज रहेगा कॉल में थोड़ी एक्साइटमेंट कम ही लग रही है ना इतना सब हुआ है आज बढ़िया ट्रेड मिल गए पुट में भी हम लोगों ने पूरी तरह से ऊपर एक ट्रेड लिया बट उसके बाद अवॉइड किया तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करने का समय भी आ गया है दोस्तों आज बहुत ही मजा आया सभी लोगों को भी मजा आया होगा आई होप सब लोग कुछ ना कुछ कुछ न कुछ, कुछ तो सीखा होगा कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ऐसे मिले होंगे जो आपको ट्रेडिंग में इंप्रूव करेंगे तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं ना कल मिलते हैं इसी टाइम पे नौ से ग्यारह है ना ओके लाइक करना मत भूलना सभी लोग लाइक कर दो ठीक है मिलते हैं बाय बाय टेक केयर ओके इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग